अभी पेट्रोल खत्म हो गया था, गाड़ी खींच नहीं पा रहा था, पूरी टंकी खुलवा दे फैक्ट्री से, उसमें पेट्रोल लेने आए। क्यों बोतल में तेल तो मिल जाता है? क्यों बोतल में तेल देते हैं आप? नहीं भैया। क्यों भैया? बोतल में पूरा पेट्रोल बना क्या? तो आप टंकी खुलवा लाए? हाँ, फिर हम पूरी टंकी अपनी गाड़ी खुलवा लाए मिस्त्री से, अब इसमें पेट्रोल ले लेंगे, इसके बाद फिर गिरा देंगे। इस वायरल वीडियो को देखकर तो आप भी समझ गए होंगे कि कहीं और नहीं बस कानपुर में ही हो सकता है। कानपुर के दिमाग के सामने जब अंग्रेज फेल हो गए तो फिर सरकार और पेट्रोल पंप वालों की क्या मजाल कि कानपुरिया भैया से जीत जाए। तो भैया, जिस शख्स को आप इस वायरल वीडियो में देख रहे हैं, इनका नाम है सुशील तिवारी। दरअसल हुआ ये कि सुशील तिवारी कहीं काम पर जा रहे थे, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। सरकार की ओर से पेट्रोल पंप वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी बोतल या डब्बे में पेट्रोल न दें। खासकर कानपुर में नुपुर शर्मा के विरोध में हुई हिंसा के बाद पेट्रोल पंप वाले किसी भी स्थिति में बोतल या डब्बे में पेट्रोल नहीं देते हैं। लेकिन सुशील भैया के दिमाग के आगे पेट्रोल पंप वालों का दिमाग फेल हो गया। सुशील भैया बोतल या डब्बा नहीं, गाड़ी का टैंक लेकर ही पेट्रोल पंप पहुंच गए। अब पेट्रोल पंप वाला भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर करना क्या है। खैर, उन्हें हार कर पेट्रोल देना पड़ा, क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि पेट्रोल टैंक में नहीं देना है। हालांकि जब सुशील तिवारी से हमने इस घटना के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाना था, इस वजह से उन्होंने ये रास्ता अपनाया। वो इमरजेंसी था, हम सुबह डेली मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और उसी मॉर्निंग वॉक में एक फ़ोन आता मेरे मित्र का कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो तगड़ा एक्सीडेंट हो गया उसका हाईलाइट के पास। तो हाईलाइट पहुँच रहा था, बोला भैया हम हाईलाइट पहुँच रहे, आप जल्दी आ जाइए। जब तक अपनी गाड़ी निकाल जाने लगे हैं उसी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमने देखा पेट्रोल ने, फिर हमने सीसी उठाई, सीसी लेके पहले तो मैं माल लौटा पेट्रोल पंप गया तो उसने दिया नहीं, बोला कि नहीं भाई इस पर पेट्रोल नहीं देंगे। फिर हम परमड़ा में पहुंचे, उसने भी नहीं दिया, मना कर दिया। हमने कहा राइडी रख लो दे दो, मैं पेट्रोल, बोला नहीं देंगे। हम कहा इमरजेंसी है, छोड़ खा गया हमारा मित्र, वहाँ जाना नहीं दिया। फिर अपनी आगे बुलेट है, बुलेट भारी थी, फिर मैंने बुलेट गन्ना लेकर पूरी टंकी खोली, टंकी खोली सीधे परमड़ा पेट्रोल पंप ले गया, वहाँ पर पेट्रोल लगाया। फिर ऐसी जगह किसी को भी पड़ सकती है, कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कोई वीआईपी आता है तो गाड़ी जाम लग जाता है, किसी की जान चली जाती है। अब ऐसे पेट्रोल में नियम ये ठीक नहीं है, अब किसी को जरूरत है वो अपना आईडी दे रहा है तो उसको पेट्रोल देना चाहिए ना। इस घटना के बारे में हमने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी घटना के बारे में बताते हुए कहा कि बोतल या डब्बे में पेट्रोल देना सख्त बना है, इस वजह से एक ग्राहक टैंक लेकर पहुंच गया और हमें उसे पेट्रोल देना पड़ा। कोई भैया चाहे दरोगा बाबे चाहे कोई किसी को नहीं दिया जाता इसमें बोतल, किसे नहीं दिया जाता। हाँ, टंकी तो भाई क्या कर धक्का लगाता कि खोल कर लाएगा लाएगा भैया, बोतल डिब्बे किसी को एक सवाई जेट कोई भी चाहे दरोगा हो आ जाए चाहे जो सबको मना दे, मैंने सुपरवाइजर अवधेश सचान है मेरा, वहाँ मैं ही गाड़ी मंगवाता हूँ, मैं किसी को नहीं देता भैया किस सवाई जेट ना, कुछ भी नहीं चाहे कुछ हो। आज मंत्री का आदि अगर मैं आता है मेरे यहाँ ले बदौरी की आए भैया हमको, भैया नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, कुछ भी कहो चाहे जो नहीं दे सकते भैया, क्या कर मजबूरी है। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।